अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट करेंगे टॉपिक 12.12, ठीक है, विच इज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप। सो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं और ये क्यों यूज़ होती है, हम इसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप्स जो हैं हम आम रूटीन में लैब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप 9th-10th के प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं एंड जो है माइक्रोस्कोप किस तरह से आपको बड़ा व्यू करके दिखा देती है। अब वहाँ तो आपको जस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि हमें बड़ा करके व्यू दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका इंटरनल जो फिनोमिना हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम किस तरह लेंस को रखते हैं, कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे हमारा इमेज बने तो हमें बहुत अच्छा क्लियर शार्प इमेज नज़र आएगा, एक मैग्नीफाइड इमेज नज़र आएगा। सो वो तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोस्कोप में सबसे पहली चीज़ है क्या, सिर्फ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो कन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, बेसिकली ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, हमें बहुत अच्छा शार्प इमेज बना के दे देता है, ठीक है, एंड क्लियर इमेज होता है। अब आप जो कन्वेक्स लेंस में हमारे पास डिफरेंट पोजिशन होती है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और हमें उसी तरह से जो है इमेज मिलता है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F से पीछे रखेंगे, जो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी इसकी, उसमें ये था कि 2F से बियॉन्ड रखेंगे तो हमारे पास किस तरह का इमेज बनेगा, स्मॉलर इन साइज जो है इमेज बन जाएगा। देन अगर हम 2F पे बने रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो इक्वल इन साइज इमेज बन जाएगा। फिर 2F और F के दरमियान अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हमारा जो है इमेज जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। एंड फिर इसी तरह से अगर हम फोकस पॉइंट से भी आगे यानी पोल और फोकस पॉइंट या ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान अपने ऑब्जेक्ट को ले आए हैं तो हमारे पास बहुत ही इनलार्ज इमेज बनेगा। सो ये थे हमारे पास डिफरेंट केसेस कन्वेक्स लेंसेज के अंदर। इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करें क्योंकि एक तो ये कन्वर्ज करवा देते हैं तमाम लाइट्स को, ठीक है, लाइट रेज को एक जगह मीट करवाएगा एंड जहाँ पे ये लाइट रेज मीट करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन तो वहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। एंड अब हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए यानी हमें बड़ा इमेज चाहिए, इनलार्ज इमेज चाहिए, तो हमें कन्वेक्स लेंस का कौन सा केस यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा इमेज जो है वो हमें बिल्कुल क्लियर और बड़ा करके दिखाई देते। तो ये तमाम बातें जो हैं जहाँ पे हमने किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करवाना होता है, बड़ा करवाना होता है, तो वो उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड सिंपल माइक्रोस्कोप में हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस। सो अब हम इसकी जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर कन्वेक्स लेंस हमारा यूज़ हो रहा है। सो कन्वेक्स लेंस की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की, जो कि दो स्फेयर्स को आपस में जोड़ने से बनती है। किस तरह से कि अब एक ये हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, एंड सेकंड वन इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जब दोनों स्फेयर्स को मिलाया, ये किसके बने हुए थे, होलो ग्लास के या होलो प्लास्टिक के, यानी अंदर से ये खाली था, जस्ट ये बाउंड्री जो है ये ग्लास की थी या प्लास्टिक की थी, ठीक है, अंदर सारा पोर्शन खाली। अब इधर से जब ये मीट करेंगे और इतने पोर्शन को जब हम कट कर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ये इमेज बन जाएगी जो कि क्या कहलाती है, हमारे पास कन्वेक्स लेंस, जिसको अदर सेंस में हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस को यूज़ करना है एंड ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, एक ख़ास पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब हमारे पास जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड इमेज होगा और वो आंख के बिल्कुल करीब होगा, नियरेस्ट पॉइंट पे मौजूद होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है सारा फिनोमिना, अब हम उसको डीपली स्टडी करते हैं। देखिए कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है दोनों का, ठीक है, क्योंकि दो स्फेयर्स को मिलाने से हमारे पास कन्वेक्स लेंस बन रहा है, इसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर,
जो सेंटर से लाइन पास आउट कर रही है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस. अब चूंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस में क्या है कि दोनों साइड से ये कर्व जो है हमारी एजेस हैं या जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है, कर्व्ड है. इसका मतलब है अगर हम यहाँ से लाइट रेस फॉल करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, लाइट रेस फॉल करिए तो हमारा इमेज किधर बनेगा, इस साइड पे बनेगा. ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रख के लाइट रेज यहाँ से फॉल करवाते हैं तो हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा. ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसकी दोनों साइड्स को यूज़ कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए, यानी कि हमारे इस कन्वेक्स लेंस के दोनों साइड पे फोकस पॉइंट बनेगा. ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारे पास फोकस पॉइंट है एंड इस साइड पे भी हमारे पास फोकस पॉइंट है. ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, एक मैग्निफाइड इमेज चाहिए, एक इनलार्ज बड़ा इमेज चाहिए, रियल इमेज चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस पॉइंट पे अपने ऑब्जेक्ट को रखें कि हमारा जो इमेज बने वो बिल्कुल इनलार्ज हो और क्या बने बिल्कुल जो है इरेक्ट हो, सीधा हो. ठीक है, अब उसके लिए हमने करना क्या है कि हमने देखना है कि हम जो केसेस अपने पढ़ के आए हैं उसमें एक था बियॉन्ड 2F. ठीक है, यानी ये फोकस बन रहा था, फोकस का अगर हम डबल कर दें तो यहाँ कहीं 2F बनेगा, एंड अगर 2F से भी यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज बनेगा स्मॉल इमेज. ठीक है, सेकेंड केस हमने पढ़ा था अगर हमने एट 2F, ठीक है, 2F के ऊपर रख दिया है तो क्या बनेगा, इक्वल इमेज बनेगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, देन हमने पढ़ा था अगर हम 2F एंड F के दरमियान रख दें, बिटवीन 2F एंड F, तब हमारे पास किस तरह का इमेज बनेगा, लार्ज बनेगा बट इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है, यानी उल्टा बनेगा. फिर हमने पढ़ा अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और F के दरमियान अपना ऑब्जेक्ट रख दें, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड F यानी फोकस पॉइंट, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो किस तरह का होगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट प्लस इनलार्ज. ठीक है, सो हमें कौन सा केस चाहिए होगा, क्योंकि हम इनलार्ज इमेज चाहते हैं और सीधा इमेज चाहते हैं, तो हमारे पास कौन सा केस बन रहे है? जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट प्लेस करें. सो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेट करना है, 2F यहाँ पे रख देने. ठीक है, सो यहाँ पे रखने के बाद हम अपने जो लेंसेज के लॉज हैं कि इन लॉज के अकॉर्डिंग जो लाइट ट्रेवल करेगी वो मीट करेगी, उसको हम स्टडी करते हैं कि पहली लाइट रे जो इस तरह फॉल कर रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट में से पास आउट कर जाएगी. ठीक है, इस तरह से पास आउट करेगी. अब क्या होगा, सेकेंड जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है, अब ये यू जा रही है. अब देखें चूंकि ये मीट होती हुई हमें तो नजर नहीं आ रही, हमें इनको क्या करना है, इनको ट्रेस बैक कर देना है. ठीक है, इस तरह से मिलाना है कि ये पीछे कहीं जाके हमें मिलती हुई दिखाई दे, और जहां पे ये मीट कर रही है वहां हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इमेज. इसका मतलब है अगर हम अपने माइक्रोस्कोप में, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हमने क्या करना है, चूंकि वहाँ कन्वेक्स लेंस पहले से मौजूद होता है, ठीक है, हमने सिर्फ इतनी सेटिंग करनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान पड़ा हो. ठीक है, तो जैसे आप उसका फोकस सेट कर लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान, तो हमें बिल्कुल सीधा और इनलार्ज इमेज यानी मैग्नीफाइड इमेज नजर आ जाएगा. सो ये तमाम फिनोमिना हो रहा होता है हमारी एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर. अब देखें हम ये तो हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर हम अपनी जाहिरी आंख को देखें तो क्या होता है, बेसिकली लेट सपोज ये हमारी आई है, ठीक है, यहाँ करके कोई ऑब्जेक्ट पड़ा. ठीक है, अब अगर हम लेंस यूज नहीं करें, हम कह रहे हैं हम नई माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, हम वैसे ही देखना चाह रहे हैं. ठीक है, हमने क्या किया, ये आई थी, ठीक है, आई हमने बिल्कुल यहाँ पे रखी, ऑब्जेक्ट रखा. सो ऑब्जेक्ट से ये जो मीट करके यहाँ पे आई पे जो हमारा इमेज बन रहा है इस तरह से, तो ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट से जो लाइन पास आउट करके आ रही है वो आई के साथ कितना एंगल बना रही है, लेट सपोज वो एंगल बन रहा है थीटा का. ठीक है, अब अगर देखें ये हमारा एक खास पॉइंट पे पड़ा हुआ है,
अब ह्यूमन आई की ये क्वालिटी कह लें या ये नेचर है कि ये अगर इसके 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, यानी आई से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तब एक ह्यूमन आई उस ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकती है. ठीक है, सो हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर पड़ी चीज़ को बहुत क्लियरली देख सकते हैं. अगर इस 25 सेंटीमीटर से आगे इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना शुरू कर दें तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि ब्लर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा. इसीलिए आप समटाइम देखें, आप बुक को अपनी आँख के बहुत करीब लें तो आपको जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देंगे, बल्कि ब्लर दिखाई देंगे. ठीक है, धुंधले दिखाई देंगे. तो एक खास डिस्टेंस पे आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और वो डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, जो कि नियर पॉइंट कहलाता है आई का. ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं, आप अपने अगर इतने छोटे से इमेज को बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस रखेंगे. सो कन्वेक्स लेंस रखने से क्या होगा, ये हमारी आई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान हमने क्या रख दिया है, एक कन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, पहले तो ये क्या बना रहा था, इतना एंगल बना रहा था विच इज थीटा. इस तरह से हमारी आय है, ठीक है, ये एंगल बन रहा था थीटा. अब हमने क्या किया, अब हमने एक कन्वेक्स लेंस को रख दिया. कन्वेक्स लेंस को रखने से क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो इतना बड़ा हो चुका है. ठीक है, यानी कि अब जो हमारा इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है वो इस तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा था आफ्टर प्लेसिंग द लेंस. ठीक है, इमेज कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया. इसका मतलब है अब इसका एंगल क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा डैश से. ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की. ठीक है, मैग्निफाइंग पावर की. पावर क्या होता है, किसी भी चीज़ की ताकत या कुवत. ठीक है, तो मैग्निफाइंग पावर क्या है कि किसी चीज़ को बढ़ा देने की कुवत. अब माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं उसमें कितनी पावर है कि वो ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी मैग्नीफाइंग पावर. सो अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा ये जस्ट यही था कि हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ह्यूमन आई के सामने जो ऑब्जेक्ट पड़े वो 25 सेंटीमीटर्स तक हमें बहुत क्लियर नज़र आ सकता है. अगर हम उसको और करीब ले आए तो उस चीज़ को हम नहीं देख सकते. सो अगर हमने उस चीज़ को भी बहुत क्लियर करके देखना है, हम कन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे. ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जब हम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के दरमियान में अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, हमारे पास एक एनलार्ज और इरेक्ट इमेज आ जाएगा, जो कि अब बहुत क्लियरली ये आई देख सकती है. ठीक है, तो अब इस इमेज जो इमेज हमारा बने उसका आई के साथ एंगल चेंज हो चुका है, विच इज थीटा फाइव या थीटा डैश. ठीक है, अब ये सारा काम एक माइक्रोस्कोप के अंदर हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ इतना सा ऑब्जेक्ट रखा था, अब माइक्रोस्कोप ने हमें इतना बड़ा करके दिखा दिए. अब हम उसकी पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसने कितनी हद तक इसको इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर तो ये क्या है, अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारी मैग्निफिकेशन की जो पावर है वो कितनी है. क्योंकि हमने कहा था कि ये आई थी, ठीक है, एंड ये पहले जो ऑब्जेक्ट पड़ा था वो आई के साथ एंगल बना रहा था थीटा का. ठीक है, अब जब हमने लेंस रख दिया है तो अब जो आई पे इमेज बन रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा फाइव. ठीक है, सो बेसिकली हमारी मैग्निफिकेशन किस बात पर डिपेंड कर रही है, कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो एज सिंपल वर्ड्स में जो मैग्निफिकेशन है उसका ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम उसको डिफरेंट तरह से लिखेंगे. सो अभी जस्ट मैं ये बताने के लिए कि सिंपल वर्ड्स में मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है वो लिख रही हूँ. ठीक है, साइज ऑफ इमेज, ठीक है, जो कि फॉर्म हुआ है बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, SM, that is for simple microscope. ठीक है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट का वो साइज लेना है जो एक्चुअल था उसका,
और फिर हमने साइज ऑफ इमेज कौन सा लेना है जो हमने माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद इमेज उसका ले लिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें क्या पता चलता है कि देखिए जो साइज ऑफ इमेज बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे वो क्या चीज हमें शो करवा रही है, थीटा डैश, ठीक है। तो थीटा डैश जो है उसने हमें क्या शो करवाया कि आई के साथ इतना इमेज जो है हमारा बन चुका है, ठीक है। आई के सामने जो इमेज अब हमें नजर आ रहा है वो कितना इंक्रीज हो चुका है, थीटा डैश, यानी साइज कितना हो चुका है इसका, एम इक्वल्स टू थीटा डैश, ठीक है। सो ये क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप के इतनी जो हमारी है इमेज वो मैग्नीफाई हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो कितना एंगल बना रहा था, सिंपल ये चीज, ठीक है। सो ये कितनी बन रही थी, थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो साइज ऑफ इमेज जो एंगल बना रहा था हमने वो लिख दिया, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा था हमने सिंपल वर्ड्स में वो लिख दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास इसकी डेरिवेशन तो नहीं की गई, ये आप बड़ी क्लासेस में जाके इसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दिया गया है कि इसको हम अदर वे में किस तरह लिख सकते हैं, 1 plus d over f, ठीक है। अब ये क्या बताता है, d क्या है, द नियर पॉइंट डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि आंख के ऊपर आंख को कोई चीज कितने डिस्टेंस तक क्लियर आ सकती है, नजर आ सकती है, दैट इज 25 centimeter, विच इज इक्वल टू d, ठीक है। एंड इसको क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। सो आंख क्या है, नियर पॉइंट के जहां तक वो ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, उसके बाद या उससे पहले जो है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं देखा जा सकता, उसके बाद तो फिर भी देखा जा सकता है, 25 से आगे जाता जाएगा तो फिर भी थोड़ा आपको क्लियर नजर आता जाएगा, क्योंकि आप इवन स्काई पे स्टार्स को भी देख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको नजर आ रहे होते हैं क्लियर। लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर से अब इस तरफ आना शुरू कर दिया है, आंख के बिल्कुल करीब आना शुरू कर दिया है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता हुआ क्लियर नजर नहीं आएगा। सो ये था हमारा डी, विच शो दैट द नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द आई, ठीक है। एंड एफ क्या है, अब हमारे पास फोकल लेंथ है इस लेंस की, और फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट, ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी फोकल लेंथ। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है, मैग्नीफाइंग पावर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस फोकल लेंथ के, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लेंस को इस तरह लेके उसका फोकस बिल्कुल पास बन रहा है, ठीक है, और इस तरह से हमारी लाइन पास आउट कर रही है और करीब तरीन इमेज बना रही है, तो उस वाली की मैग्निफिकेशन पावर कम होगी, ठीक है। तो F और M का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है कि अगर आप F को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है, और अगर आप F को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी आप F को दूर लेते जा रहे हैं इस तरह से, F इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर उतनी डिक्रीज कर जाएगी। सो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होने का मतलब है, एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी, अगर दूसरी डिक्रीज करी है तो ये चीज इंक्रीज कर जाएगी। सो मैग्नीफाइंग पावर जो है हमारी इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगी, ठीक है, जितनी इंक्रीज करेंगे उतनी मैग्निफिकेशन डिक्रीज कर जाएगी, एंड अगर हम एक चीज को इंक्रीज करें तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। देन हमारे पास आ जाता है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर क्या होता है, किसी चीज की सलाहियत के वो दो चीजों को अलहदा करके किस तरह से दिखा सकती है, ठीक है। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो करीब पड़ी हों तो हमें बिल्कुल एक नजर आ रही होती है, ठीक है, जिस तरह लेट सपोज आपने कोई से दो जो है बॉल्स वगैरह रखे हुए हैं करीब करीब, एंड आप उसको अगर काफी दूर से देख रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल यूं लगेगा कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सो वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें ये बताए कि दोनों चीजें अलहदा अलहदा हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारी कहलाती है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर कि कोई इंस्ट्रूमेंट किस हद तक चीजों को
अलग अलग करके दिखा सकता है. सो माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास बेसिकली यही होता है कि हमारे जो एटम्स वगैरह हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या अगर हम कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ले रहे हैं कि जिसको हमें स्टडी करना है, एंड हमें वो बहुत विदाउट माइक्रोस्कोप वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लग रहा है, यानी इतना जुड़ा हुआ लग रहा है कि हमें बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ क्या है. लेकिन जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे तो वो आपको हर चीज़ को अलग अलग करके दिखाएगा. ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट की यही पावर कि वो हर चीज़ को कितना अलग करके दिखाती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर. एंड रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, जिस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा उसी तरह की उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी. बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हम तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी हो जाएगी. अगर हम कोई अच्छा नहीं यूज़ कर रहे, कम रिजॉल्विंग पावर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतना क्लियर इमेज को नहीं दिखा सकेगा अलहदा अलहदा करके. सो हमारी जो रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी of body to distinguish between two objects placed near to each other, placed near to each other. So, दो ऑब्जेक्ट से, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे के पास पड़े हुए थे, अगर उनको सेपरेट आउट करके दिखाना है तो वो इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी क्या कहलाती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर. सो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक, जिसके अंदर एक लेंस की मदद से हमने इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाया. एंड मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गई हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की, इट इज़ जस्ट m इक्वल्स टू थीटा डैश ओवर थीटा, जिसको 1+d/f से भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर एक फोकल लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नीफिकेशन डिक्रीज कर जाएगी, एंड अगर फोकल लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नीफिकेशन उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करेगी. एंड देन हमारे पास लास्ट पे आ जाता है रिजॉल्विंग पावर के कोई, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अलग अलग करके दिखाती है जब वो एक दूसरे के करीब पड़ी हो. सो ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप.